राजभवन जहां से हमारे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, क्या तस्वीरें, क्या तैयारी राजभवन में इस वक्त नजर आ रही? देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, राजभवन की है। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो तीन विधायक हैं, तीन दिग्गज नेता हैं, वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कब उन्हें राजभवन में एंट्री मिले। और राहुल लोधी, राजेंद्र शुक्ल और गौरीशंकर बिसेन के साथ बड़ी संख्या में उनके क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब उन्हें जो है राजभवन के अंदर एंट्री मिल चुकी है। एक उत्साह कार्यकर्ताओं में देख सकते हैं, खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरे में देख सकते हैं कि वो अपने नेता को मंत्री पद की शपथ लेना लेते हुए देखना चाहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये छोटा मंत्रिमंडल विस्तार है, तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं को भी जो है एक विधायक के साथ 15 से 20 ही कार्यकर्ताओं को अंदर एंट्री दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है विंद महाकौशल क्षेत्र से राजभवन पहुंचे हैं और वो यहां पर अपने विधायक को मंत्री पद की शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो इस कार्यकाल में ये तीसरा मंत्रिमंडल का विस्तार है, क्योंकि मध्यप्रदेश में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक ये मंत्रिमंडल का विस्तार। कहीं ना कहीं जो विंद और महाकौशल से रिपोर्ट सामने निकल के आ रही थी कि विंद और महाकौशल में बीजेपी की स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो इसको साधने के लिए, एडजस्ट करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा था। तमाम जो सैलरियों है, राजनीतिक सैलरियों, तमाम सर्वे रिपोर्ट को उठा के देखा गया। क्योंकि विंद की अगर हम बात करें, राजेंद्र शुक्ल एक बड़े नेता हैं, पूर्व में भी कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं, संगठन ने कई बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें दी हैं, तो अब एक बार फिर से जो है राजेंद्र शुक्ल को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। गौरीशंकर बिसेन, ओबीसी का एक बड़ा चेहरा, बालाघाट से लेकर छिंदवाड़ा तक उनका काफी दबदबा है, होल्ड है। लेकिन गौरीशंकर बिसेन से हमने जब पूछा कि आप ये चाहते हैं कि उनकी बेटी अब चुनाव लड़े, तो उनका यही कहना है कि हाँ, जो भी राजनीति में सक्रिय है उनको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। हालांकि गौरीशंकर बिसेन ओबीसी वर्ग से आते हैं, और अगर हम ओबीसी वर्ग की बात करते हैं तो ओबीसी वर्ग मध्यप्रदेश में तकरीबन 49% बिलोंग करता है। अब ऐसी स्थिति में ओबीसी के एक बड़े चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल करना, कहीं ना कहीं तमाम ये हर एक जाति वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचेंगे और अब से कुछ ही देर बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल और राहुल लोधी को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। राहुल लोधी की अगर हम बात करते हैं तो मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे और पहली बार के विधायक हैं। तो यहाँ पे एक हमेशा जो बात सामने आती थी कि पहली बार के विधायकों को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई जाती, लेकिन हमारे साथ विश्वास आ रहा है एक छोटा मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और डबल इंजन की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में और देश में बनेगी, भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। साफ तौर पे यहाँ पे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का यही कहना है कि डबल इंजन की सरकार मध्यप्रदेश में एक बार फिर से बनती हुई नजर आएगी और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जो बीजेपी के विधायक हैं वो राजभवन पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी राजभवन पहुंचेंगे। ये तस्वीर हमने आपको लगातार राजभवन के बाहर की दिखाई कि जो कार्यकर्ता अंदर नहीं जा पाए हैं वो बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके नेता शपथ ले और बाहर आए, वो उनका स्वागत वंदन करें ढोल नगाड़ों के साथ। और ये कह सकते हैं कि ये जो छोटा मंत्रिमंडल विस्तार है, ये
जातिगत आधार पे जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है कि सभी जाति वर्ग को साधा जाए, ओबीसी, लोधी वर्ग और विंध में राजेंद्र शुक्ल ब्राह्मण, क्योंकि अभी जो हाल ही में ब्राह्मण और आदिवासियों के बीच का जो विवाद है तो कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ल इसको साधते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और एक बड़ा चेहरा पूर्व में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। गौरीशंकर बिसेन ओबीसी के चेहरे हैं और ओबीसी वर्ग का जब मध्यप्रदेश में सर्वे किया गया था तो मध्यप्रदेश में 49% ओबीसी वर्ग बिलोंग करता है। बालाघाट में सबसे अधिक ओबीसी वर्ग जाति के लोग हैं, तकरीबन 52%, और खुद जो बिसेन है, गौरीशंकर बिसेन, वो विधायक है, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बालाघाट से लेके महाकौशल छिंदवाड़ा तक यहाँ पे बिसेन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि बिसेन जो है अक्सर छिंदवाड़ा में भी सक्रिय नजर आते हैं। अब कमलनाथ का गढ़ अगर भेदना है तो चारों तरफ से अटैक जो है बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, और इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, ठीक विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले, 1 महीने बाद जो है मध्यप्रदेश में आचार संहिता लगेगी, और आचार संहिता के पहले ये विस्तार, जब हमने इस विषय में तमाम मंत्रियों से पूछा कि क्या इससे चुनावी असर में कोई फायदा देखने को मिलेगा, तो विधायकों का यही कहना है कि हमारे लिए 1 महीने का जो वक्त है, वो जो समय है, वो काफ़ी है। तो तमाम एक जो सैलरियो है वो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, राजनीतिक सैलरियो, हर एक वर्ग, हर एक समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी छोटा मंत्रिमंडल विस्तार है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है राजभवन में जबरदस्त तरीके से देखने को बिल्कुल कुलभूषण। और देखिए कुलभूषण, यहाँ पर भले ही जिक्र करते नजर आ रहे हो या भाजपा बार बार कहती नजर आ रही है कि 1 महीने का वक्त हमारे लिए काफी है और ये विश्वास जताते नजर आ रही है, लेकिन 1 महीने का वक्त अगर पूरे तौर पर चुनावी दौर में देखा जाए तो काफी कम ये वक्त होता है, क्योंकि इसके बाद से जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद से यहाँ पर किसी के पास भी कोई, यहाँ पर अगर कहा जाए तो ताकत नहीं रह जाएगी कि वो चुनाव में जाकर के आम जनता को साथ सके। और इतने कम समय में इस मंत्रिमंडल का विस्तार होना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, और कांग्रेस इस पर किस प्रकार से कार्य करती नजर आएगी, कैसे फायदा उठाती नजर आएगी। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ पे तमाम अब समीकरण बनाने होंगे, चाहे वो राजनीतिक समीकरण हो या फिर जातिगत समीकरण हो। जिस प्रकार से बीजेपी लगातार एक के बाद एक दांव खेलती हुई नजर आ रही है, अमित शाह खुद ने मध्यप्रदेश की जिम्मेदारी संभाली है, और लगातार अमित शाह के साथ साथ जो अन्य केंद्रीय मंत्री हैं वो मध्यप्रदेश के दौरे पर हैं, क्योंकि यहाँ 2018 की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में विधायक सात विधानसभा सीटें हैं वो सीटें जीती थी, और इसके साथ ही लोकसभा सीट भी मध्यप्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से एक सीट कांग्रेस की झोली में आई थी। अब यहाँ पे कमलनाथ को उन्हीं के गढ़ में घेरती हुई नजर आ रही है, चाहे केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो, चाहे बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है, और इसके बाद वो सीधे छिंदवाड़ा भी पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस को थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा चुनाव के समय में। लगातार जो उनके केंद्रीय नेतृत्व के दौरे हैं, राहुल गांधी का दौरा जरूर बना था लेकिन वो किसी कारणवश निरस्त हुआ, प्रियंका गांधी के अभी तक हमने 2 ही दौरे देखे, मल्लिकार्जुन खड़गे के 1 दौरे देखे, लेकिन बीजेपी के तमाम जो सीनियर्स लीडर्स हैं उनके हमने लगातार जो है दौरे कार्यक्रम के देखे, चाहे नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री खुद अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, ऐसे तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, मोदी से लेके अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम उनके दौरे देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे हम बातचीत भी करेंगे। आप कहाँ से? मैं टीकमगढ़ से हूँ। टीकमगढ़ से कैसे लोधी जी, राहुल लोधी आज पहले शपथ ले रहे, पहली बार के विधायक, एक युवा नेता, कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए पूरे हमारे जिले टीकमगढ़ में लोधी समाज के लगभग हर विधानसभा में 10 से 15 हज़ार वोट हैं, और उमाजी का ये ग्रह जिला है, तो निश्चित रूप से राहुल भैया के मंत्री बनने पर फर्क आएगा।
बिल्कुल, राहुल लोधी के मंत्री बनने पर फर्क आएगा और कार्यकर्ता राजभवन के बाहर इंतजार कर रहे हैं, हाथों में फूलों की माला है, गुलदस्ते हैं कि कब उनके मंत्री बाहर आएंगे, एक वो जोरदार भव्य स्वागत करेंगे, फूलों की पंखुड़ियां भी देख सकते हैं उनके हाथों में, और वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब फूल माला लेके स्वागत जी जी। करने की तैयारी। कहाँ से आए आप? मैं तो भोपाल की हूँ, बाकी सब रीवा से आए हुए हैं राजेंद्र शुक्ला जी के समर्थन में। अच्छा, जी जी। कितना इसका फायदा होगा विंध्य में? विंध्य में तो पूरा ही फायदा होगा, विंध्य तो ऐसी भाजपा का मजबूत। बिल्कुल कुलभूषण, देखिए आपके पास लौटेंगे और राजभवन के अंदर आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे की कार्यवाही के लिए मैं माननीय मुख्य सचिव महोदय से निवेदन करती हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, नियुक्त मंत्रीगण श्री गौरी शंकर चतुर्भुज जी सिंह, श्री राजेंद्र शुक्ल अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन को पद की शपथ ग्रहण करा। मैं गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की सप्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संभव निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त राज्य मंत्री श्री राहुल सिंह लोधी
जो अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपा आप नियुक्त राज्य मंत्री श्री राहुल सिंह को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राहुल सिंह लोधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राहुल सिंह लोधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ।